हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रेषिता शो। आज बात करते हैं आपकी 11th वीक प्रेगनेंसी के बारे में, यानी आपकी गर्भावस्था का 11वां हफ्ता। तो मैं कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने 11वें हफ्ते में पहुँच चुके हैं। क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी होती है ना, ये बहुत अच्छी होती है, हमें बहुत ज़्यादा खुश रखती है। जैसे जैसे टाइम आपका निकल रहा होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है आगे के टाइम के लिए कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो इसी बारे में ये वीडियोज़ हम कर रहे हैं कि हर हफ्ते आपके साथ में क्या क्या बॉडी चेंजेस होते हैं, आपका बेबी कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बात करेंगे आज क्या क्या बॉडी में आपके चेंजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने डाइट में इस टाइम पे ऐड करने चाहिए। कुछ टिप्स की भी बात करूँगी कि क्या क्या टिप्स इस हफ्ते में आपको फॉलो करने हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है, उसको प्रेस कीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट हों चैनल पर उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो फटाफट से बात कर लेते हैं आपके 11वें हफ्ते में क्या क्या बॉडी चेंजेस होते हैं आपके साथ में। तो इस टाइम पे आपने अपना वेट जो है गेन करना स्टार्ट कर दिया होगा, आपका जो वज़न है वो अब बढ़ने लगा होगा। हालांकि अब भी आप ऐसे नहीं लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, बट फिर भी कुछ लोग आइडिया लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपका थोड़ा सा वेट गेन होता है तो कुछ लोग को आइडिया लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो थोड़े से राउंडर आपको फील होते हैं, आपका जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी राउंड आपको फील होते हैं, आपका हिप का साइज़ थोड़ा सा बढ़ना इस टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, तो काफ़ी स्मूथ आपकी बॉडी इस टाइम पे हो जाती है। उसके अलावा इस टाइम तक प्रेगनेंसी ग्लो भी काफ़ी लोगों के साथ में आ जाता है, काफ़ी लोगों के फेस पे प्रेगनेंसी का ग्लो आ जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ वुमेंस के साथ में, कुछ लेडीज़ के साथ में होता है कि रैशेज वगैरह का प्रॉब्लम भी हो जाता है, एक्ने का प्रॉब्लम, मतलब दाने वगैरह निकल जाते हैं। कुछ लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम भी इस हफ्ते तक हो सकता है। उसके अलावा जो नॉर्मली आपके साथ में सिम्टम्स चल रहे थे वो कंटिन्यू रह सकते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो सकता है, थकान फील हो सकती है। जब भी आपको मन करे प्लीज़ रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए। मूड स्विंग्स काफ़ी कॉमन है, सडनली आपको लगेगा आप बहुत खुश हो, सडनली आपको लगेगा आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, तो ये बिल्कुल कॉमन होता है प्रेगनेंसी के दौरान। लेग क्रैम्प्स आपको फील हो सकते हैं, आपको टांगों में हल्का सा दर्द वगैरह फील हो सकता है, स्पेशली तब जब आप सोने लगते हो, स्पेशली तब रात के टाइम पर आपको दर्द ज़्यादा फील हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम अगर अब तक आपके साथ में चल रहा था तो हो सकता है कुछ लोग के साथ में कम हो गया हो, बट हो सकता है कुछ लोग के साथ में अभी भी कंटिन्यू रहेगा, तो मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम भी आपके साथ में चल सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आपकी बॉडी में इस टाइम पर होते हैं। बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पे अपने डाइट में ऐड करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी डाइट। क्योंकि आपको अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो खाना खाना ज़रूरी है जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को इस टाइम पर चाहिए। तो न्यूट्रिशन रिच डाइट लीजिए। डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर आपके लिए कैल्शियम, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पर आपका बेबी अंदर बढ़ रहा है, बेबी के बोन्स ग्रो हो रहे हैं, तो बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, कैल्शियम में डेयरी प्रोडक्ट सबसे अच्छे, आप दूध लीजिए, दही लीजिए, पनीर लीजिए, तो डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में ऐड कीजिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, प्रोटीन भी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी है। प्रोटीन में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज ले सकते हैं, आप अंडा खाइए, नॉन वेज खाइए, फिश खाइए, उसमें प्रोटीन भरपूर होता है। आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालें खा सकते हैं, चने, राजमा, इन सब में प्रोटीन भरपूर होता है। आप सोयाबीन खाइए, आप टोफू खाइए, ये सब में प्रोटीन भरपूर होता है, तो इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है नट्स हो गए, सीड्स हो गए, नट्स में मैं बात करूँगी आलमंड्स हो गए, वॉलनट हो गए, मतलब बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, ये सबको अपने डाइट में ऐड कीजिए। आप या तो इसको भिगो के खा सकते हैं, या फिर आप खीर या हलवा वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसमें खा सकते हैं, मतलब पूरे दिन में अपने डाइट में इसको ऐड कीजिए। इवनिंग में एज ए स्नैक ले सकते हैं, रोस्ट करके किसी भी तरीके से। सीड्स बहुत अच्छे हैं, फ्लैक्स सीड हो गया, जितने भी सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हो गया, ये सबको अपने डाइट में ऐड कीजिए। इन सबको रोस्ट करके, पाउडर बना के, स्प्रिंकल करके किसी भी चीज़ में, रायता, दही, सब्जी में आप खा सकते हैं। या सीड्स वैसे भी हमें खाने अच्छे लगते हैं, रोस्ट करके आप रखो और थोड़ा सा आप दूध वगैरह के साथ में ले लो तो काफ़ी अच्छे ये इस टाइम पे आपके लिए रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को अपने डाइट में ऐड कीजिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट है सब्जियाँ, वेजिटेबल्स,
इस टाइम पे आपको खाने को मन नहीं करता है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है तो खाना ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि हरी सब्जियां खाइए। हरी सब्जियां खाने का मन नहीं कर रहा है तो कोशिश कीजिए कलरफुल वेजिटेबल्स लीजिए, जैसे कैप्सिकम कलरफुल हो गए, उसके अलावा जो भी कलरफुल वेजिटेबल्स या जो भी वेजिटेबल्स आपका इस टाइम पर खाने को मन कर रहा है प्लीज़ वो खाइए। पूरे दिन में ज़रूर वेजिटेबल्स को अपने डाइट में ऐड कीजिए। उसके अलावा सीजनल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गर्मी है तो अकॉर्डिंगली फ्रूट खाइए, सर्दी है तो उसके अकॉर्डिंगली फ्रूट खाइए। और जो नॉर्मली पूरे साल फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फ्रूट आपको खाने का मन कर रहा है पूरे दिन में फ्रूट भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को अपने डाइट में ऐड कीजिए। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फाइबर रिच फूड। फाइबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपके लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहता है और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पाने के लिए सबसे अच्छा है फाइबर। तो फाइबर के लिए चपाती लीजिए, मतलब रोटी लीजिए, चावल लीजिए, दलिया लीजिए, ओट्स लीजिए, जिन भी चीज़ों में फाइबर भरपूर होता है उन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है। तो ये पूरे दिन में जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ कुछ मतलब इन चीज़ों को आप पूरे दिन में अपने डाइट में ऐड करके चलना है। उसके अलावा जो भी आपके डॉक्टर ने आपको डाइट एडवाइस किया है उसको साथ में फॉलो कीजिए। तो ये बात हो गई आपके डाइट की, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। और डाइट के साथ साथ पानी पीना बिल्कुल नहीं भूलना है, पानी भी रेगुलर इंटरवल्स पे पीते रहना है। थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में पिए, बिल्कुल भी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी है। ये नहीं कि डाइट पे ही ध्यान देते रहना है, पानी भी पीना ज़रूरी है। पानी पीने का मन नहीं कर रहा है तो कोकोनट वाटर पीजिए, लेमन वाटर पीजिए, जो भी आपका पीने का मन कीजिए, बेसिकली फ्लूइड्स लेने ज़रूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ लोगों को क्या, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि सभी प्रेग्नेंट वुमेंस को जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है वो ये होती है कि हमारा पेट कब से दिखना स्टार्ट होगा, कब से हम प्रेग्नेंट दिखने स्टार्ट होंगे। क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, जो सबसे ज़्यादा वेट होता है वो होता है कि आप प्रेग्नेंट दिखने कब से स्टार्ट होते हो। तो अभी भी मैं कहूँगी कि वो टाइम आपका नहीं आया है, अभी भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। बट फिर भी थोड़ा सा बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है, आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो हो सकता है थोड़ा बहुत टमी इस टाइम पर आपका दिखना स्टार्ट हो जाए। उसके अलावा थोड़ा सा बॉडी पे भी डिपेंड करता है, अगर आप पतले हो सकता है थोड़ा बहुत टमी आपका दिख रहा हो, अगर आप थोड़े से फैटी हो तो टमी दिखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और जैसे जैसे आपका थर्ड ट्राइमेस्टर ख़त्म होगा, मतलब सॉरी आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब ख़त्म होगा, मतलब आपका तीसरा महीना जब ख़त्म होगा, उसके बाद से आपका पेट थोड़ा सा दिखना स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा वेट अभी कर लीजिए। और उसके अलावा आपके जो फेस का ग्लो है वो काफ़ी लोगों को बता सकता है, आपके बॉडी के शेप्स काफ़ी लोगों को बता सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, बट आपका जो पेट दिखने में वो थोड़ा सा टाइम अभी लग सकता है। अब बात करते हैं थोड़े से टिप्स की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको करनी चाहिए। तो टिप्स में एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट की हमने बात करी। डाइट में होता क्या है कि प्रेगनेंसी में हम खाना खा लेते हैं बट काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करने को मन करता है तो खाना खाते हम एकदम से लेट जाते हैं। प्रेगनेंसी में ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिए प्लीज़। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, एक लाइट वॉक ज़रूर कीजिए, चाहे 10 मिनट के लिए अपने रूम में ही, अपने घर में ही स्लो वॉक, ताकि आपको खाना डाइजेस्ट होने में हेल्प हो। प्रेगनेंसी में डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, तो आपके डाइजेशन को थोड़ा सा बेटर करने के लिए एक लाइट वॉक बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सबको एडवाइस करती हूँ कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, जब भी कोई थोड़ा सा भी हैवी खा रहे हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो 10 मिनट का वॉक ज़रूर से ज़रूर करना है। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि खुश रहिए। खुश रहने के लिए जो आपको करने का मन करता है, जो भी एक्टिविटी, जो भी आपकी हॉबी है, आपको बाहर जाने को मन करता है, आपको थोड़ा बहुत घूमने को मन करता है, वो सब करके अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी सप्लीमेंट्स, जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वो ज़रूर से ज़रूर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। कभी भी थोड़ा सा भी फीवर है, कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, बिना अपने डॉक्टर से पूछे किसी तरीके की मेडिसिन नहीं लेनी है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक चीज़ और, प्रेगनेंसी में आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ में रहता है, मतलब आपको लगेगा कि आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों को हर 10 मिनट में ऐसा फील होता है, कुछ लोगों को हर आधे घंटे में ऐसा फील होता है। तो प्लीज़ थकिए मत, रुकिए मत, आप ये मत सोचिए कि मैं अभी तो वॉशरूम गई थी अब दोबारा से फिर से जाना है, ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी में हॉर्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा काफ़ी लोगों के साथ में होता है। इनफैक्ट आपको 10 मिनट बाद भी लग सकता है कि आपको यूरिन पास करने के लिए जाना है, तो प्लीज़ जाइए, यूरिन को अंदर ब्लैडर में ब्लॉक मत कीजिए, उसको रोकिए मत, वो आपको इन्फेक्शन कर सकता है, यूटीआई का प्रॉब्लम कर सकता है। तो प्लीज़ जब भी आपको लग रहा है आपको यूरिन पास करने के लिए जाना है प्लीज़ जाइए। अपने आपको हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा अपने लिए थोड़े सी शॉपिंग कर लीजिए, ये बिल्कुल राइट टाइम है, बिल्कुल सही टाइम है। थोड़े से मटर्निटी क्लॉथ्स आप ले लीजिए, स्पेशली मटर्निटी ब्रा और मटर्निटी पैंटीज हो गए, बॉटम्स हो गए, थोड़े से जो पेट से आपको लूज हो, जो कपड़े थोड़े से आपको लूज हो, कंफर्टेबल शूज़ में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेग्स वगैरह काफ़ी पेन रहते हैं इस टाइम पर, तो शूज़ में इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा कुछ बुक्स वगैरह आप ले सकते हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, ताकि आप काफ़ी चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं। आपको बाद में हर चीज़ को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े, काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको पहले से नॉलेज हो जाए। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड बुक पढ़िए, बेबी रिलेटेड बुक्स पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी जर्नल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मतलब आप अपनी हर एक मेमोरी को उसमें लिख सकते हैं, उसमें कैप्चर कर सकते हैं, तो वो आप करिए। उसके अलावा जो थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं वो ओरल केयर आपको इस टाइम पे करना ज़रूरी है, मतलब बॉडी में ड्राइनेस काफ़ी रहता है इस टाइम पे, तो अपने आपको मॉइस्चराइज रखिए, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर अपने पास रखिए, बार बार अपने बॉडी को मॉइस्चराइज कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा कुछ लोग को दांतों में, मसूड़ों में प्रॉब्लम इस टाइम पे हो जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही, तो एक अच्छा माउथ वॉश, एक अच्छा टूथब्रश, एक अच्छा टूथपेस्ट, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है, वीडियो यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच।